क्या है इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स एंड एल लॉपिटर रूल है, ठीक है। अच्छा अब देखेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कौन सी होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि जीरो डिवाइडेड बाय जीरो, इंफिनिटी डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी इंटू जीरो एंड इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये सारी क्या है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म होने का मतलब क्या है कि आप लोग इनकी वैल्यूज जो है वो नहीं बता सकते कि अगर जीरो को जीरो से डिवाइड कर दो तो क्या आंसर बनेगा, इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से डिवाइड करो तो क्या आएगा, इन्फिनिटी को अगर आप लोग जीरो से मल्टीप्लाई कर दो तो इसी तरह इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो ये सारी क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं, ठीक है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हमारे पास क्या होंगी, जीरो डिवाइडेड बाई जीरो, इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू जीरो, सिमिलरली जीरो इंटू इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अच्छा अब एल लॉपिटल रूल जो है ये आप लोगों को क्या कहता है, ये आप लोगों को बताता है कि अगर आप लोग क्या करें कि लिमिट कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, जो लिमिट या तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हो या इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे हो, ठीक है, और आप लोगों के पास जिस फंक्शन पे लिमिट अप्लाई होनी है वो क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म का फंक्शन होगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि आप लोगों के पास फ्रैक्शन होगी जिसमें न्यूमिनेटर में भी एक फंक्शन होगा और डिनोमिनेटर में भी एक फंक्शन होगा। अब क्या है कि अगर आप लोग न्यूमिनेटर फंक्शन की लिमिट लें इस पॉइंट पे और डिनोमिनेटर की लिमिट कैलकुलेट करें इसी पॉइंट पे, तो ये दोनों लिमिट्स क्या आती हो, या तो जीरो आती हो या इंफिनिटी आती हो। इसी तरह अगर इधर एक ही जगह पे इंफिनिटी आ जाए या माइनस इंफिनिटी आ जाए तो तब भी इन दोनों का आंसर या तो जीरो हो या इंफिनिटी हो, तो फिर आप लोग क्या करेंगे कि एल लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे, और वो आप लोगों को क्या बताता है कि आप लोग इस लिमिट को कैसे कैलकुलेट करोगे कि आप लोग एफ को रिप्लेस कर दोगे एफ डैश के साथ और जी को रिप्लेस कर दोगे जी डैश के साथ। तो इस एक्सप्रेशन का जो आंसर आएगा वही हमारे पास इस एक्सप्रेशन की लिमिट होगी, ठीक है। इस एक्सप्रेशन की जो लिमिट है वही हमारे पास इस एक्सप्रेशन की लिमिट होगी, कब, जब आप लोगों के पास एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की लिमिट इस पॉइंट पे या तो जीरो हो या इन्फिनिटी हो, ठीक है। ये बात समझ आ गई आप सबको, Yes, अगर ये स्टेटमेंट नहीं समझ आई तो पूछने, मैं एक दफा दोबारा रिपीट करता हूँ। देखें कि एल लॉपिटल रूल जो है ये आप लोग कब अप्लाई करेंगे, ये आप लोग इन तीन केसेस के ऊपर अप्लाई करेंगे। क्या है कि जिस फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई होनी है वो फ्रैक्शन फॉर्म में है, मतलब क्या हुआ कि न्यूमिनेटर में एक फंक्शन होगा और डिनोमिनेटर में एक फंक्शन होगा। अब लिमिट जो है वो पर्टिकुलर पॉइंट पे भी कैलकुलेट हो सकती है, इन्फिनिटी पे भी हो सकती है और माइनस इन्फिनिटी पे भी अप्लाई हो सकती है, ठीक है। अगर आप लोग इस केस को लें, ठीक है, तो इस केस में आप लोगों ने अगर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है तो आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, ये दोनों लिमिट्स जीरो होनी चाहिए या ये दोनों लिमिट्स इन्फिनिटी होनी चाहिए, तो तब आप लोग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। और वो आप लोगों को क्या बताएगा कि ये लिमिट आप लोग कैसे कैलकुलेट करोगे, इस तरीके से कैलकुलेट करोगे कि आप लोग एफ डैश एफ को रिप्लेस कर दोगे एफ डैश से और जी को रिप्लेस कर दोगे जी डैश से। अगर आप लोगों के पास इन दोनों केसेस में से कोई एक केस हो तो फिर आप लोगों ने क्या करना है कि इधर जो लिमिट लेनी है वो किस पॉइंट पे होगी, इस पॉइंट पे होगी या इस पॉइंट पे होगी, जो केस आप लोग डिस्कस कर रहे होंगे। अगर इन्फिनिटी वाला कर रहे हैं तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी पे लिमिट लेनी है, और अगेन आंसर जो है वो या तो दोनों का जीरो होना चाहिए या दोनों का इन्फिनिटी होना चाहिए, ठीक है। तो फिर आप लोग दोबारा से क्या कह सकते हैं कि एल लॉपिटल रूल से ये कंक्लूजन पॉइंट कर सकते हैं कि लिमिट कैसे कैलकुलेट होगी, एफ रिप्लेस हो जाएगा एफ डैश से, जी रिप्लेस हो जाएगा जी डैश से, और आप लोग इस एक्सप्रेशन की लिमिट कैलकुलेट कर लेंगे, जो इसकी लिमिट होगी वही हमारे पास इसकी लिमिट आएगी। अच्छा अब देखें कि एक और बात नोट करने वाली क्या है कि अगर आप लोगों के पास अगेन इसका आंसर भी जीरो आ जाता है और इसका आंसर भी जीरो आ जाता है या इन्फिनिटी आ जाता है दोनों का आंसर, तो आप लोग अगेन एल लॉपिटल रूल जो है अप्लाई कर देंगे, ठीक
ठीक है। तो जब तक आप लोगों के पास 0/0 और ∞/∞ आता रहेगा, आप लोग लॉपिटर रूल अप्लाई करते जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि डेरिवेटिव्स लेते जाएंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर फंक्शन का, अंटिल आप लोगों के पास ये केस जो है आना खत्म हो जाए। इधर तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। चले अब हम लोग इसकी एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, तो ये चीज आप लोगों को ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। देखें कि ये हमारे पास फंक्शन है जिसकी हम लोगों ने लिमिट लेनी है x इज इक्वल टू 0 पे। अगर आप लोग न्यूमिनेटर फंक्शन की लिमिट लें तो उसका आंसर क्या आता है 0। इसी तरह डिनोमिनेटर फंक्शन की लिमिट लें तो वो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। ऐसे ही है, अगर आप लोग इस फंक्शन की लिमिट लें x अप्रोचेस टू 0 तो क्या आंसर आता है। जी उजैर बताएं, जीरो सर 0 आता है ना। आएगा। और इसी तरह अगर इस फंक्शन की लिमिट लें एक्स अप्रोचेस टू 0 तो तब भी 0 आंसर आएगा। मतलब क्या हुआ कि आप लोगों के पास 0/0 फॉर्म आ रही है। 0/0 फॉर्म का मतलब क्या है कि ये केस। ∞/∞ फॉर्म का मतलब क्या होगा, ये दूसरा वाला केस। ठीक है, तो जब आप लोगों के पास 0/0 फॉर्म आ गई तो मतलब क्या हुआ कि अब आप लोग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, जो क्या बताता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 जो है, ठीक है, एक्स अप्रोचेस टू 0 किसका, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, ये किसके इक्वल होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी डैश ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब आप लोग इस फंक्शन का अगर डेरिवेटिव लें तो आप लोगों के पास क्या आएगा, ये फंक्शन आ जाएगा। न्यूमिनेटर फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास इस फंक्शन के इक्वल है। ठीक है, ये बात सबको क्लियर है। देखें क्या होगा, एक्स प्लस वन रेस टू दी पावर 1/2, ठीक है, पावर पहले, ठीक है, फिर पावर में से 1 माइनस, तो 1/2 माइनस 1 क्या आ जाएगा, -1/2। और इसी तरह एक्स बाय टू का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2। तो ये डेरिवेटिव आपको समझ आ गया। और डिनोमिनेटर फंक्शन जो है वो क्या है, एक्स स्क्वेयर है, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2x। तो हमारे पास ये फंक्शन आ गया जो क्या है, ये एफ डैश है और ये जी डैश है। अब देखेंगे अगर आप लोग एफ डैश का डेरिवेटिव कैलकुलेट करें इस पे तो वो क्या बनता है, 0। और इसी तरह जी डैश का डेरिवेटिव जो है व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 0 वो भी 0 आता है। मतलब क्या हुआ कि अभी भी आप लोगों के पास 0/0 फॉर्म है। तो आप लोग अब क्या करेंगे कि अगेन इसके ऊपर एल लॉपिटल रूल अप्लाई कर देंगे, जो क्या बताता है कि न्यूमिनेटर फंक्शन का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर फंक्शन। तो अब आप लोगों ने इस फंक्शन का डेरिवेटिव रखना है न्यूमिनेटर में और इसका डेरिवेटिव रखना होगा डिनोमिनेटर में, तो फिर आप लोगों के पास क्या आएगा, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब देखेंगे अगर आप लोग इसमें न्यूमिनेटर में फंक्शन की लिमिट लें और डिनोमिनेटर फंक्शन की लिमिट लें तो वो ना तो आप लोगों के पास 0/0 फॉर्म आएगा और ना ही ∞/∞ फॉर्म आएगा। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि अब आप लोगों ने इस एक्सप्रेशन में लिमिट अप्लाई कर देनी है। तो न्यूमिनेटर का आंसर क्या बनेगा, -1/4, और डिनोमिनेटर का आंसर क्या बनेगा, 2। तो एक्सप्रेशन को जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -1/8। ठीक है, ये बात समझ आ गई सबको। सर हमने इसमें डबल डेरिवेटिव लेना होगा, एक दफा पहले फिर दोबारा लेना होगा। जी वही मैं बताया कि जब तक आप लोगों के पास 0/0 फॉर्म या ∞/∞ फॉर्म आती रहे आप लोग डेरिवेटिव लेते रहेंगे। ठीक है सर, समझ आ ठीक है, गया। जब आप यस लोगों के
पास जीरो बाय जीरो फॉर्म या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म ना बने तो फिर आप लोगों ने डेरिवेटिव नहीं लेना। अगर आप लोग उस स्टेप पे भी डेरिवेटिव लेंगे तो फिर आप लोगों के पास आंसर जो है वो गलत आ जाएगा। अच्छा अब देखें कि न्यूमिनेटर फंक्शन जो है उसकी लिमिट क्या आती है, जीरो, और डिनोमिनेटर फंक्शन की लिमिट भी जीरो बनेगी। ऐसे ही है, तो मतलब यह हुआ हमारे पास जीरो बाय जीरो फॉर्म आ गई। तो आप लोगों ने क्या करना है, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव ले लेना है जो ये बनेगा, और डिनोमिनेटर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3x2। अब आप लोग देखेंगे न्यूमिनेटर की लिमिट क्या बनती है, न्यूमिनेटर फंक्शन की जीरो, और डिनोमिनेटर फंक्शन की लिमिट क्या है, जीरो। ठीक है, ऐसा ही है ना। यस सर, ऐसे ही तो अगेन हमारे पास जीरो बाय जीरो फॉर्म आ गई। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है जो क्या आएगा, साइन x, और फिर डिनोमिनेटर फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है जो क्या बन जाएगा, 6x। अब देखेंगे अगर आप लोग साइन x की लिमिट लें एट x अप्रोचेस टू जीरो तो क्या बनेगा, जीरो। इसी तरह 6x की लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू जीरो तो आंसर क्या आएगा, जीरो। तो अगेन जीरो बाय जीरो फॉर्म आ गई। ठीक है, तो यस सर। जब अगेन जीरो बाय जीरो फॉर्म आ गई है तो मतलब क्या हुआ कि अब आप लोगों ने अगेन लॉपिटल रूल अप्लाई कर देने हैं जो क्या बताता है कि ये फंक्शन रिप्लेस होगा इसके डेरिवेटिव से, और इसी तरह इस फंक्शन को भी आप लोग इसके डेरिवेटिव से रिप्लेस कर दोगे। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास बनेगा cos x, और 6x का डेरिवेटिव बन जाएगा 6। अच्छा अब देखें कि अब ये हमारे पास 0/0 फॉर्म नहीं है। cos x व्हेन x अप्रोचेस टू 0 क्या आता है, 1, और 6 के ऊपर जब लिमिट लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 6। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 6, 1/6 आ गया। अगर आप लोग इस स्टेप पे भी क्या करेंगे, अगेन लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे, यानी कि न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो आप लोगों के पास जो आंसर बनेगा वो फिर क्या होगा, जीरो, जो आप लोगों के पास इस फंक्शन की लिमिट का आंसर नहीं होगा। किस फंक्शन की लिमिट, जो ये थी। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो 1/6 जो है ये हमारे पास किसका आंसर है, इस लिमिट का आंसर है जो हम लोगों ने कैसे फाइंड किया, लॉपिटल रूल से फाइंड किया। ठीक है, तो लॉपिटल रूल हमने कितनी दफा अप्लाई किया है, 1, 2, 3, 3 टाइम्स लॉपिटल रूल अप्लाई करने के बाद आप लोगों के पास ये आंसर आया है। इधर तक किसी का कोई क्वेश्चन? सर, अगर इधर 1/0 फॉर्म बन रही होती। हाँ देखें, 1/0 फॉर्म बने तो देखें कि ये हमारे पास क्या है, ना तो 0/0 फॉर्म में है ना ही ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में शामिल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप लोग लॉपिटल रूल अप्लाई नहीं कर सकते। और फिर आप लोग क्या करेंगे कि अगर इस जगह पे जो फंक्शन है वो अप्रोच कर रहा है 0 को, तो फिर आप लोग ये कहेंगे कि जो आंसर है फंक्शन की लिमिट का वो क्या है, अप्रोचेस टू इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। ठीक है, यस सर, ठीक है। तरह अगर आप लोगों के पास 0/1 फॉर्म आ जाए तो आप तब भी आप लोग लॉपिटल रूल अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप लोगों के पास इंफिनिटी बाय 0 फॉर्म आ जाए तब भी आप लोग लॉपिटल रूल अप्लाई नहीं कर सकते। लॉपिटल रूल अप्लाई होगा सिर्फ और सिर्फ 0/0 फॉर्म पे या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म पे। ठीक है, अच्छा आप देखेंगे ये फंक्शन है जिसकी आप लोगों ने लिमिट कैलकुलेट करनी है। न्यूमिनेटर फंक्शन की लिमिट क्या बनती है, 0, और डिनोमिनेटर फंक्शन की लिमिट भी 0 है, मतलब क्या हुआ कि 0/0 फॉर्म। तो आप लोग अब क्या करें, लॉपिटल रूल नहीं अप्लाई करें, न्यूमिनेटर रिप्लेस हो जाएगा इसके डेरिवेटिव से, और डिनोमिनेटर फंक्शन को भी आप लोग इसके डेरिवेटिव से रिप्लेस कर सकते हैं, ये फॉर्म आ जाएगी आप लोगों के पास। अच्छा अब देखिए कि ये फॉर्म जो है ये हमारे पास 0/0 फॉर्म और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में नहीं आती। ठीक है, न्यूमिनेटर फंक्शन की लिमिट ले आंसर क्या आएगा, 0, डिनोमिनेटर फंक्शन की लिमिट ले आंसर क्या आएगा, 1। तो 0/1 आ रहा है। ठीक है, तो ये ना तो 0/0 फॉर्म है और ना ही इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में आता है। तो
तो अब आप लोग इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। आंसर क्या आ गया? जीरो आ गया। तो जीरो जो है वो हमारे पास इस लिमिट का आंसर है। लेकिन अगर आप लोग इस स्टेप के ऊपर अगेन लॉपिटा रूल अप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर जो बनेगा वो क्या होगा? 1/2, जो कि इस लिमिट का करेक्ट आंसर नहीं होगा। ठीक है, बात समझ आ गई? सर मतलब कैसे, वो तो उधर तो 0 आ रहे हैं ना, तो इधर 1/2 आ रहे हैं, 1/2 वाला आंसर सही नहीं होगा। देखिए, जो करेक्ट आंसर इस फंक्शन की लिमिट का है ना, वो जीरो है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग इस स्टेप के ऊपर अगेन लॉपिटर रूल अप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो क्या बन जाएगा? 1/2। ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? कि आप लोगों ने इस स्टेप पे भी लॉपिटर रूल लगा दिया है और यहाँ पे लॉपिटर रूल जो था वो एप्लीकेबल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये अदर देन 0/0 फॉर्म थी। ठीक है, तो बात वही है जो मैंने पहले आप लोगों को बताई कि लॉपिटर रूल आप लोगों ने तब तक ही लगाना है जब तक आप लोगों के पास इनफिनिटी बाय इनफिनिटी और 0/0 फॉर्म आ रही हो। ठीक है, ये बात समझ आ गई? ये सर आ गई समझ। तो ये दो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, ये देखेंगे तो आप लोग समझ आ जाएगी। अच्छा, अब देखें कि हमारे पास क्या है कि अब हम लोगों ने इस क्वेश्चन की जो लिमिट है वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अगर आप लोग लिमिट कैलकुलेट करें इन फंक्शंस की अलग अलग, देखें एक्स जब लिमिट लेंगे एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी एक्स की, तो ये हमारे पास क्या आती है? इंफिनिटी। इसी तरह अगर आप लोग लिमिट लें एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी साइन 1/x, तो ये क्या आ जाएगा? जीरो। तो मतलब यह हुआ कि ये आप लोगों के पास इंफिनिटी डॉट जीरो फॉर्म है। मतलब यह हुआ कि एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है। ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई। जी बताएं मुझे, इन्फिनिटी डॉट जीरो फॉर्म ही है ना? जीरो डॉट इन्फिनिटी फॉर्म ही है ये। तो ये सर बन गई। अब देखें कि क्या आप लोग इसके ऊपर लॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो इसका आंसर क्या है? नो। अभी आप लोग इसके ऊपर लॉपिटल रूल अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लॉपिटल रूल जो है वो एप्लीकेबल होता है 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म के ऊपर। तो अब आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग ये करेंगे कि आप लोग इस फॉर्म को, यानी कि इस प्रॉब्लम को रिप्लेस करेंगे या ट्रांसफॉर्म करेंगे 0/0 फॉर्म में या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में। ठीक है, तो वो आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कैसे करेंगे कि आप लोग ये कहेंगे कि आप लोग एच वेरिएबल ले रहे हैं जो किसके इक्वल है? 1/x के। एच को आप लोगों ने क्या पुट किया? 1/x। अब जब x अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो h किसको अप्रोच करेगा? जीरो को अप्रोच करेगा। फ्रॉम द राइट साइड पॉजिटिव है ना, तो जब x पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा तो 1/x अप्रोच करेगा जीरो को फ्रॉम दी राइट साइड। तो देखें कि अगर आप लोग 1/x को h पुट करें तो ये 1/x किससे रिप्लेस हो जाएगा? h से, ये h आ जाएगा। और इधर x क्या आ जाएगा आप लोगों के पास? 1/h। और ये लिमिट किससे रिप्लेस हो जाएगी? ये लिमिट आप लोगों के पास इस एक्सप्रेशन से रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ आ गई आप सबको? तो देखेंगे फिर जब आप लोगों ने h को सब्स्टिट्यूट किया 1/x की फॉर्म में तो आप लोगों को क्या पता चला कि ये लिमिट जो है ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इस लिमिट के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इस लिमिट को हमने इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब देखेंगे क्या ये
जीरो बाय जीरो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनती है कि नहीं, कौन सी फॉर्म बनती है ये, इसको आप लोग इस तरीके से रीड कर सकते हैं, साइन एच डिवाइडेड बाय एच। तो अगर आप लोग लिमिट दें एच अप्रोचेस टू जीरो साइन एच तो वो क्या आती है, जीरो, और इसी तरह लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एच वो क्या आ जाएगी, जीरो। ठीक है, क्या ये दोनों लिमिट्स जो हैं, ठीक है, दोनों लिमिट्स जीरो के इक्वल है, मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास जीरो बाय जीरो फॉर्म है। तो जब ये जीरो बाय जीरो फॉर्म है तो आप लोग लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे और क्या होगा, ये फंक्शन रिप्लेस होगा इसके डेरिवेटिव से जो क्या बनेगा कॉस एच, और ये रिप्लेस होगा इसके डेरिवेटिव से जो क्या बनेगा वन। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो प्लस कॉस एच। ठीक है, तो कॉस एच में अगर आप लोग एच को रिप्लेस करें जीरो से तो आंसर क्या बनता है, कॉस जीरो जो क्या है वन, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ आ गई? यस सर आ गई। यस सर, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखेंगे अगर आप लोग इधर x को डायरेक्ट पुट करेंगे जीरो तो आप लोगों के पास इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म बनेगी। ठीक है, आइदर x अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम राइट साइड और x अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो अगर h x अप्रोच करेगा जीरो को फ्रॉम द राइट साइड तो हमारे पास इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म है, और अगर x अप्रोच करेगा जीरो को फ्रॉम द लेफ्ट साइड तो आंसर क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी माइनस माइनस इंफिनिटी, जो क्या है माइनस इंफिनिटी प्लस एच इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। तो देखेंगे इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी ये दोनों इसी फॉर्म में कंसिडर होंगी। ठीक है, ये फॉर्म जो है ये भी इसी में आप लोग कंसिडर करेंगे। ठीक है, इंफिनिटी पहले आए या माइनस इंफिनिटी पहले आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क क्या है कि आप लोगों के पास दोनों ना तो माइनस होनी चाहिए इंफिनिटीज और दोनों इंफिनिटीज ना ही प्लस होनी चाहिए। अगर एक इंफिनिटी पॉजिटिव है, कैसे माइनस और प्लस इंफिनिटी आए सर, ये देखें लिमिट की कैलकुलेशन से ना, अगर क्या है कि साइन का ग्राफ क्या होता है, ये ग्राफ होता है साइन का ऐसे ही है ना, क्या नहीं? यस सर, यस सर। तो देखेंगे अगर आप लोग एक्स को अप्रोच करें जीरो टुवर्ड्स राइट साइड, मतलब क्या हुआ, ये इधर से आप लोग आ रहे हैं, क्या है x approaches to zero from the right side, तो sin x किसको approach कर रहा है, positive zero को, ये y axis है ना, तो x axis ऊपर y axis की value क्या होती है positive, तो मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो zero plus होगा, यानी के positive zero होगा, score 0.001। ठीक है, फिर आप लोग और x को अप्रोच करें टूवर्ड जीरो तो आप लोगों के पास ये आंसर आ जाएगा, मतलब क्या हुआ कि इधर आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वो जीरो को अप्रोच करेगा लेकिन वो पॉजिटिव साइड से होगा, नेगेटिव जीरो साइड से नहीं होगा। बात समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। तो इधर डिनोमिनेटर में जीरो तो आएगा लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। ठीक है, तो इस वजह से फिर ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, प्लस इंफिनिटी। ठीक है, और ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ये भी प्लस इंफिनिटी ही बनेगा लेकिन ये वाला जो साइन है वो साइन इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो इंफिनिटी को ही अप्रोच करेंगे, पॉजिटिव इंफिनिटी को, और ये माइनस वाला साइन एज इट इज इधर आ जाएगा। ठीक है, अब देखें कि एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो को फ्रॉम द लेफ्ट साइड तो साइन एक्स फिर किसको अप्रोच करेगा, अगर एक्स अप्रोच करे जीरो को फ्रॉम द लेफ्ट साइड तो फिर
साइन एक्स किसको अप्रोच करेगा, जीरो को फ्रॉम दी लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड का मतलब क्या है कि नेगेटिव जीरो के साथ, ठीक है। इधर वैल्यूज क्या आ सकती हैं, -0.001 आ सकता, पुट किया जा सकता है, -0.0001 पुट किया जा सकता है, ठीक है। तो एक्स को आप लोग जितना जीरो के करीब करेंगे इधर वैल्यू उतनी ही जीरो के करीब जाएगी, लेकिन नेगेटिव साइड के साथ जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से ये एक्सप्रेशन फिर क्या बन जाएगा, माइनस इंफिनिटी। ये बात समझ आई इधर yes, सर, को। इसी तरह अब ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, माइनस इंफिनिटी, और ये बीच वाला माइनस जो है दोनों टर्म्स के वो एज इट इज आ जाएगा, ये वाला माइनस एज इट इज आ गया है। तो ये माइनस इस माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा, तो ये फॉर्म आ गई फिर, ठीक है। अच्छा अब देखें कि क्या आप लोग इसके ऊपर लॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, तो उसका आंसर क्या है, नो। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि लॉपिटल रूल अप्लाई होता है जीरो बाय जीरो और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म के ऊपर। तो पहले आप लोगों ने इस प्रॉब्लम को रिप्लेस करना है इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में। तो देखेंगे अगर आप लोग इसका एलसीएम ले लें तो आप लोगों के पास ये फॉर्म आ जाएगी, जो क्या है कि जब x अप्रोच करेगा जीरो को तो ये हमारे पास जीरो बाय जीरो फॉर्म बनेगी। अगर x अप्रोच करे जीरो को तो न्यूमिनेटर फंक्शन भी इसको अप्रोच करेगा जीरो को, इसी तरह डिनोमिनेटर फंक्शन भी किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। ऐसे ही है, यस सर, यस सर। तो अब जीरो बाय जीरो फॉर्म आ गई, तो मतलब क्या हुआ कि अब आप लोग लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे, ये फंक्शन रिप्लेस होगा इसके डेरिवेटिव से और ये रिप्लेस हो जाएगा अपने डेरिवेटिव के साथ। तो इसको आप लोग रिप्लेस कर देंगे डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर फंक्शन से, और डिनोमिनेटर फंक्शन को रिप्लेस कर देंगे डेरिवेटिव ऑफ दी डिनोमिनेटर फंक्शन से, जो ये आ जाएंगे। अगेन जब x अप्रोच करेगा जीरो को तो ये हमारे पास जीरो बाय जीरो फॉर्म आएगी। आप लोग फिर दोबारा लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे, न्यूमिनेटर फंक्शन का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर फंक्शन, ठीक है। तो अब आप लोगों ने ये नहीं करना कि इस जगह पे ये वाला डिनोमिनेटर यूज कर रहे हो, आप लोग अब इस स्टेप के ऊपर लॉपिटल रूल अप्लाई कर रहे हो। तो आप लोग इसको रिप्लेस करोगे इसके डेरिवेटिव से और इस डिनोमिनेटर को रिप्लेस करोगे इसी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कैलकुलेट करके, जो ये बनेगा, ठीक है। और अब ये हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0/2 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। इधर तक बात सबको समझ आ गई, यस सर। तो ये प्रॉब्लम जो है ये आप लोगों ने दोबारा से रीड करनी है, और अगर इसमें कोई चीज ना समझ आ रही हो तो वो फिर आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास में मेरे से पूछ लेनी है।